नाज़रीन इस वक्त लाहौर के इलाका माल रोड के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे पास एक भाई मौजूद है, इस वक्त ये फलस्तीन का झंडा बनाकर इस वक्त ये जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मोहम्मद उस्मान लियास कहते हैं, आप गिनती वक्त निकाल के देखते हैं हमारा चैनल DSP न्यूज़। नाज़रीन इस वक्त मैं लाहौर के इलाका माल रोड पर मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे पास भाई मौजूद है जिन्होंने फलस्तीन का एक झंडा बनाया। इनका झंडा बनाने का मकसद क्या था और ये इस वक्त माल रोड के ऊपर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भैया क्या अल्लाह का शुक्रिया। अच्छा भैया, आपका क्या मकसद है ये फलस्तीन का इतना बड़ा झंडा बनाने का? इसका मकसद ये है कि हमारा जो है ना फलस्तीन के साथ जो हमारी जो है ना यकजहती है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल हमारा पूरा साथ है। इस पर ना मुख्तलिफ राय हैं कि उनका अपना मफाद भी है इसके ऊपर, ईरान का इसराइल के अटैक के ऊपर, और अभी इसके ऊपर हम कोई बात हम लोग ऐसे कह नहीं सकते कि उन्होंने ख़ास फलस्तीन के लिए काम किया है कि नहीं किया। इसके ऊपर उनकी अपनी राय थी, उनके अपने उनका अपना इसके ऊपर फ़ायदा था इसके ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने ये सारा किया है। लेकिन पाकिस्तान ने पाकिस्तान आप क्या अपडेट देते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान भी इनके ऊपर अटैक करना चाहिए था कि नहीं? ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है इस टाइम। हमारा लाजिम है हमारे ऊपर कि हम फलस्तीनियों का साथ दें, और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव होना चाहिए कि वो जाके फलस्तीनियों का साथ दें, उनके लिए जंग करें। ये इस टाइम जिहाद का मौका है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई तकरीबन कोई 300 फुट तकरीबन। आप किस जगह से? मैं लाहौर से ही हूँ। कितनी देर लगी आपको ये झंडा तैयार करते हैं? ये तकरीबन कोई आप कहने के ना मतलब कोई 10 से 20 दिन लगे हैं। तैयार की है ये जो हमारी पार्टी है, उन्होंने तैयार किया है। अच्छा, सामिन है। बहुत शुक्रिया भैया। आइए नाज़रीन आगे बात करते हैं। सलाम जी, वालेकुम सलाम। भैया क्या कहेंगे आप इसराइल को अटैक? जी मेरा नाम आमिर समदानी है और मैं लाहौर से ताल्लुक है मेरा। आप ये देखें कि तमाम सियासी अपना चूरन बेचन में अपेयर हुई इलेक्शन में हारी, लेकिन फिर भी फलस्तीनियों के लिए खड़ी हुई है मैदान में। सिर्फ जमात इस्लामी वाहिद जमात है इस मुल्क के लिए, जमात इस्लामी वाहिद हल है, हल सिर्फ जमात इस्लामी। आपको क्या लगता है जो ईरान ने इसराइल को अटैक किया, आप इसके बारे में क्या बात करें? सर, ईरान ने जो इसराइल पर अटैक किया उसने असल में दिफा किया है अपना। पहले इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पर अटैक किया था, इसराइल ने दिफाई अटैक किया है, और जो इसराइल कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। मुस्लिम ममालिक चाहे कोई भी हो उस पर अटैक करना जायज़ नहीं है। मेरा भाई मुझे एक बात बताया, लाहौर से ताल्लुक है? जी मैं लाहौर से हूँ। आप इसके बारे में क्या अपडेट देते हैं कि हमें भी कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जैसे इसराइल ने, जैसे इसराइल के ऊपर ईरान ने अटैक लिया, हमें लेना चाहिए था कि नहीं? मेरे भाई, अमेरिका इसराइल के पुष्पनाही पे खड़ा हुआ है, जो बाइडन असले का जहाज़ लेके इसराइल पहुँच रहा है, तो मुसलमान इतने बेगैरत क्यों हैं? सिंपल सी बात ना, पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए, इसराइल के खिलाफ मुहाज़े जंग बनाना चाहिए। फलस्तीन हमारे अंबिया की सरजमीन है, हमारा किबला अव्वल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे इमाम अंबिया की इमामत करवाई थी, तो हम कैसे उसको तनहा छोड़ दें? हमारी गैरत का इम्तिहान है। जो ईरान ने क्या सही किया, हमें भी यही रिएक्शन देना चाहिए, तमाम मुस्लिम ममालिक को यही रिएक्शन देना चाहिए। ये तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, जैसे ईरान ने बड़ा दिल करके बहुत बड़ा अटैक किया इसराइल के ऊपर, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं? सर, हम बहसे थे कौम नाअहल लोग हैं, हम एक नाअहल आदमी को अपना वज़ीर आज़म बना बैठे हैं, वो कैसे करेगा? उसने तो अपना दिफा करना है, वो तो खुद एक अदालती मफरूर था, आके उसने अपने पर्चे खत्म करवाए हैं, वो कैसे आपका दिफा करेगा, कैसे आपके मुल्क का दिफा करेगा?